फास्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को सबसे तेज से सबसे धीमी गति के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द फास्टेस्ट टू द स्लोएस्ट। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, ए यूसेन बोल्ट, बी ध्वनि की गति यानी स्पीड ऑफ साउंड, सी प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट, या डी चीता। यूसेन बोल्ट, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट, चीता। समय समाप्त हो गया। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी प्रकाश की गति, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। फिर आता है बी ध्वनि की गति, विच इज द स्पीड ऑफ साउंड। फिर है डी चीता, और अंत में ए यूसेन बोल्ट। सी बी डी ए, दिस इज द राइट आंसर। लेट्स सी कि किसने इसमें उत्तर दिया है। ओनली वन मेरे सामने और सीट पर आ गए हर्ष शाह, ये भावनगर गुजरात से हैं, और बहुत बहुत स्वागत। तो हॉट सीट पर कैसा लग रहा है भाई साहब? सर अनबिलीवेबल लग रहा है। कितने दिनों से आप कर रहे थे ये प्रोफेशन? सर केबीसी के लिए लास्ट 2 इयर्स से कर रहा था, क्योंकि मेरी मदर की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊं। क्या कंपेनियन के रूप में आपकी माता जी? ओके, मदर फादर आए। प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। जी, तो उनके प्रोत्साहन से? हाँ सर, उनके प्रोत्साहन से। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो सर आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ऑलराइट। और एक और रीज़न था कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद सर मैं स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा। तो सर उसी दौरान फादर की एक हार्ट सर्जरी हुई थी, तो मुझे अपना बिजनेस संभालना पड़ा। तो सर एक था कि 20 से ज़्यादा मैंने PCS की एग्जाम्स दी हुए, और सर उसमें ओनली 4 में मेंस तक पहुँच पाया था, और वो भी एक फेलियर का पहाड़ था, जो यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत छोटा हो गया है। थैंकफुल टू केबीसी। लेकिन जाना आप चाह रहे थे पब्लिक सर्विसेज में? जी सर जाना चाहता था, लेकिन सर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि फादर का बिजनेस है, तो सर वो संभाल रहे हैं। ऑलराइट हर जी, खेल की ओर अब आपका ध्यान हम आकर्षित करेंगे। रूल्स आपको पता है, तो हर जी खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने हर जी, 1000 रुपए के लिए, और ये इमेज प्रश्न है। एक आपको चित्र दिखाएंगे, प्रश्न ये है आपके सामने, आप किस खेल में ऐसे उपकरण का उपयोग करेंगे? इन विच स्पॉट वुड यू यूज सच इक्विपमेंट? पिक्चर दिखाई जाए। देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए शॉर्टपट, बी हर्डल, सी लॉन्ग जंप, डी ट्रिपल जंप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हर्डल्स। बी हर्डल्स पे थोड़ा लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, कौन सी शैली उन पैंट का वर्णन करती है जिन्हें रिप्ड जीन्स कहा जाता है? व्हाट स्टाइल डिस्क्राइब्स पैंट्स दैट आर कॉल्ड रिप्ड जीन्स? ए दे आर ऑफ रेड कलर, बी दे आर मेड ऑफ सिल्क, सी दे आर टॉर्न, डी ओनली मेन कैन वेयर देम। वो लाल रंग के होते हैं, वो रेशम से बने होते हैं, वे फटे हुए होते हैं, या डी उन्हें केवल पुरुष पहन सकते हैं? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, दे आर टॉर्न। सी पे थोड़ा लगा जाए। जी सर, बिल्कुल सही उत्तर। पश्चिम में शायद ये प्रथा शुरू हुई थी, युवाओं की डिसेंट किया उन्होंने, कुछ थोड़ा सा उनको लगा कि जो हो रहा है उसको कुछ अलग किया जाना चाहिए, तो या असहमति से जन्मा हुआ। आज रिप जीन्स जो है एक कैजुअल पहनावा बन गया है, कभी कभी पहनने वाले खुद ही इसे फाड़ करके पहन लेते हैं। लेकिन अक्सर उनको बनाया भी वैसे ही जाता है। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न पर 3000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने हर जी,
प्रश्न यह है कि परंपरागत रूप से गुजराती व्यंजन दूध पाक का स्वाद कैसा होता है? Traditionally, what is the taste of the Gujarati delicacy दूध पाक? A. Sweet, B. Spicy, C. Bitter, या D. Sour. मीठा, तीखा, कड़वा या खट्टा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, मीठा। मीठा ए पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल ये भी सही उत्तर है, आप सही लगा दिए। दूध और चावल से बनता है ये दूध पाक। हाँ जी सर। और आपने काफी खाया भी होगा। मीठा स्वाद बहुत देर तक ये जीभ पर भी बना रहता है, इसका जो जायका होता है। ऑलराइट भाई साहब, आप हैं गुजरात से? जी सर। कुछ ऐसी चीज बताइए गुजरात के बारे में जो आपको लगता है कि हमें ये बहुत अच्छी लगती है। सर गुजरात पहले तो सर फेस्टिवलों का स्टेट है, बहुत फेस्टिवल्स होते हैं। हाल ही में सर दिवाली हुई है, और सर मकर संक्रांति जहाँ पे हम काइट फ्लाइंग करते हैं। जी जी। फिर सर होली आती है, और सर बेस्ट रहता है हमारा नवरात्रि गरबा, जो पूरे विश्व में प्रख्यात है गुजरात का गरबा। जी बिल्कुल। जी सर, वो सर सबसे बेस्ट रहता है। और सर ये गरबा की एक जो मीनिंग है सर, स्पेशलिटी है सर, ये इनिशियली एक डांस का फॉर्म था, लासिया फॉर्म जैसे कहते हैं। और सर इसमें एक गर्भ रहता है, मतलब वो मिट्टी का बना हुआ होता है, उसके अंदर सर दिया होता है, वो ऐसा प्रतीक होता है कि वो गॉड भगवान है, मतलब देवी है, जो शक्ति है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और सर हम उसी की पूजा करते हैं, इसीलिए सर उसे गर्भा बोलते हैं। उसी से सर वर्ड आया गर्भा। सर ये हमको नहीं मालूम था, चलिए आज ज्ञान प्राप्त हो गया। सर इसी वजह से सर गुजराती गरबा करते कभी थकते नहीं है। हाँ बिल्कुल, कितना भी गरबा करते हैं कभी थकते नहीं है सर। और सर कभी थके हुए होते हैं फिर गरबा बजता है तो वैसे भी एनर्जी आ जाती है, आ जाती है एनर्जी। ऑलराइट आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा जैन धर्म में मांस खमण उपवास कितने दिनों तक चलता है? इन जैनिज्म मांस खमण इज अ फास्ट दैट स्पैन्स हाउ मेनी डेज? ए 8, बी 16, सी 30, डी 365। 8, 16, 30, 365। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 30 डेज। सी 30 पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर, 10,000 रुपए इसका मिलेगा। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म सुल्तान के गीत 440- के रिक्त स्थान को विद्युत क्षमता की कौन सी इकाई भरेगी? What unit of electric potential fills in the blank of the song title 440- from the movie Sultan? Options are A. Volt, B. Ampere, C. Ohm, or D. Weber. Sir, please lock option A. Volt. Volt. 440 volt. A volt पे था लगा जाए? ये भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। थोड़ा बहुत हो गया आपके 440 volt। ये सलमान खान की अभिनीत फिल्म सुल्तान के एक गाने नाम का है। ऑलराइट ओके सर, एक चीज बताना चाहता हूँ। हाँ जी। वैसे तो सर मुझे मूवीज का बहुत शौक है, और मेरी हॉबी भी मूवीज से रिलेटेड ही है। अच्छा जी सर। मैं जैसे कि जैसे सर मैं कोई भी मूवीज देखता हूँ तो मैं उसकी मूवीज के ऊपर सर मैं लिखता हूँ, मेरी पर्सनल डायरी है। मैं उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि सर मूवीज एज अ पार्ट है लाइफ में। हर कोई मूवी कुछ ना कुछ सिखा जाती है, उसके कुछ ना कुछ डायलॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ ना कुछ सीन अच्छा लगता है। जी जी जी। सर जैसे एग्जांपल पे कैटरीना कैफ और ऋतिक सर की जेड एमडी थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ। जी सर, उसमें एक डायलॉग आता है जब कैटरीना मैम और ऋतिक सर बुनियाल में वॉक पे जाते हैं, तब मैम बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम 40 साल तक जियोगे, सीज द मोमेंट माई फ्रेंड। तो सर वो चीज मैं आज भी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। सर आपकी भी एक फिल्म थी आनंद मूवी में, जिसमें सर बोलते हैं कि बाबू मशाई जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए। जी सर, वो भी बहुत बड़ी है। ये तो बड़ी अच्छी आदत है आपकी। जी सर, हर एक फिल्म में आप कुछ ढूंढते हैं जो आपको असरदार मिल जाए, जो प्रोत्साहित कर सके, उसको आप लिखते हैं। जी सर। सर ऐसी मैंने 40+ मूवीज के ऊपर लिखा हुआ है, और मैं इसके बारे में सर कंटिन्यू भी करूंगा। रियली नाइस। थैंक यू। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं सर आपकी फिल्में अच्छी नहीं लगती हमको, ये नहीं ठीक है। सर, आपकी फिल्म है। नहीं नहीं, हमारी नहीं, जनरली कहते हैं जनरली कि फिल्म अच्छी नहीं है, क्या करेंगे देख करके। लेकिन कहीं ना कहीं सर
आप जैसे हैं और आप बहुत अच्छा उदाहरण बन गए हैं सर हमारी फिल्म उद्योग के लिए, क्योंकि आपकी बातें सुनकर के हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो जा करके ढूंढेंगे कि प्रत्येक फिल्म में क्या अच्छी चीज मिली हमको, उसको हमको लिखना चाहिए। जी सर, आर्टिस्ट भी बहुत मेहनत करते हैं सर एक फिल्म बनाने के लिए, तो सर उसमें कुछ ना कुछ अच्छा रहता ही है, आपको सिर्फ ढूंढना पड़ता है कोई भी मूवीज में। जी सर, जी सर, बड़ा अच्छा लगा सर आपने ऐसा बोला। ऐसे ही बोलते रहा कीजिए सर। जी सर, जी सर, आपके मुंह में घी चक्कर। ओके, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, रेडी? जी सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैम्बे इनमें से किसके पूर्व नाम का हिस्सा था? कैम्बे, कैम्बे वॉज अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मर नेम ऑफ विच ऑफ दीज? ए सह्याद्रीज, बी रण ऑफ कच्छ, सी गल्फ ऑफ खंबात, या डी थार डेजर्ट। सह्याद्री कच्छ का रण, खंबात की खाड़ी, या थार रेगिस्तान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, गल्फ ऑफ खंबात। सी गल्फ ऑफ खंबात पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही उत्तर दिया है आपने। खंबात की खाड़ी को पहले कैम्बे की खाड़ी कहा करते थे, उसी से सर वो वर्ड आया है खंबात। खंबात, हाँ, कैम्बे, कैम्बे। ये अरब सागर के उत्तरी सिरे पर है ये गल्फ ऑफ खंबात। ओके, आ गया है सातवां प्रश्न 40,000 रुपए का, और वो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसके एमसीसी कानूनों की प्रस्तावना में कहा गया है कि खेल को उस खेल की भावना से खेला जाना चाहिए? द प्रीएम्बल टू द एमसीसी लॉज ऑफ विच स्पॉट स्टेट्स that it should be played within the spirit of the same. A. Badminton, B. Tennis, C. Football, D. Cricket. MCC ki baat hai. MCC laws. Sir, mujhe do option mein doubt hai. Tennis mein aur cricket mein. सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। और अच्छा, तो जाइए बाद में जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस पोल लेना। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 53%। तिरपन, डी 33, 4 and 10 मिला है वक्त। सर जनता के साथ जाओ, जाना रहूंगा। जनता के साथ जाएंगे, डी पे बोलिए क्या किया जाए। जी सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी पे थर्ड लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्रिकेट की खेल भावना या स्पिरिट ऑफ द गेम एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत बार बहस होती है। एमसीसी कानून कहता है कि खिलाड़ी, एम्पायर और इसमें शामिल सभी लोगों पर इस स्पिरिट को बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। ऑलराइट, आपसे एक चीज पूछना भूल गया मैं हर्ष, आजकल आप क्या कर रहे हैं? जी सर मैं अपने फादर का बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ, जिसमें सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है प्लास्टिक मोनोफिलामेंट यान का। ओके, वो क्या होता है? सर वो प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स आती है, जैसे मिनरल ऑयल में से पेट्रोल निकलता है, डीजल बनता है सर, उसमें से एक प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं सर, उसी को हम मेल्ट करके थ्रेड्स बनाते हैं। ओके ओके। सर कुकिंग करने के बाद हम डिश वॉश करते हैं, तो उसमें सर स्क्रबर यूज करते हैं, स्क्रबर। हमारे जो थ्रेड्स बनाते हैं सर, उसमें से सर वो स्क्रबर बनता। ओके सर, आपने कभी किया है? हाँ सर, कई बार बर्तन साफ किया है। बर्तन साफ किया है, किचन का जो चिलमची है उसको साफ किया है, और बाथरूम में जो बेसिन होता है उसको भी साफ किया है, सब कुछ किया है सर हमने। ऐसा क्यों लगता है कि आपको हमने ना किया होगा? सर ऐसे तो कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा आया कि पूछ लो आपको। नहीं, कि... अच्छा किया पूछ लिया आपने, अब तो पता चल गया। पता चल गया सर। अब
आएगा आठवां प्रश्न आपके सामने, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार है? जी सर। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंटरनेट पर इनमें से कौन सी गतिविधि आमतौर पर टॉरेंट्स और सीडिंग जैसे शब्दों से जुड़ी होती है? विच ऑफ दीज एक्टिविटीज ऑन द इंटरनेट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद टर्म्स लाइक टॉरेंट्स एंड सीडिंग? ऑप्शन सुनिए। ए ब्राउजिंग न्यूज यानी समाचार पढ़ना, डाउनलोडिंग मीडिया, मीडिया डाउनलोड करना, सी स्क्रोलिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया देखना, या डी सेंडिंग ईमेल, ईमेल भेजना। टॉरेंट्स एंड सीडिंग सर, सेंडिंग मेल तो नहीं लग रहा है, ब्राउजिंग न्यूज नहीं लग रहा, स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, टॉरेंट्स, डाउनलोडिंग मीडिया सर लग रहा है, ऑप्शन बी सर प्लीज लॉक, ऑप्शन बी डाउनलोडिंग मीडिया। बी डाउनलोडिंग मीडिया कह रहे हैं, ताल लगा जाए। यस हर्ष इज द राइट आंसर। टॉरेंटिंग एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग डिजिटल संगीत या वीडियो जैसी बड़ी कंप्यूटर फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। और पर हमारी आपको एक सलाह है कि आप फिल्में जाएं तो आप थिएटर में जाएं भाई साहब। सर थिएटर में ही जाएंगे। हाँ सर, क्योंकि बड़े पर्दे पर और लोगों के साथ बैठकर देखने में कुछ अलग ही मजा आता है। जी सर। ऑनलाइन पे देखते हैं, मोबाइल पे देख लिया, वो मजा नहीं आता। हाँ सर, डाउनलोडिंग आमतौर पर जो है ना, हाँ, कई बार इलीगल होता है। बहुत से लोग जो है ना उसका पायरेट फिल्म तैयार करके फिर बोलते हैं इसको डाउनलोड कर दीजिए, आपको पिक्चर दिख जाएगी, कम दाम पे दिखेगी, वो सब इलीगल है सर। ओके ऑलराइट। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न और ये है 1,60,000 रुपए के लिए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब सभी पांडव राजा विराट के नगर में छद्मवेश में रहे तो उन्होंने इनमें से कौन सा व्यवसाय नहीं अपनाया था? Which of these professions were not taken up by the Pandavas when they stayed in disguise in King Virat's city? Options only: A. Horsekeeper, B. Cook, C. Dance teacher, or D. Archery teacher. Ghoda, Palak, Rasoiya, C. Nritya Shikshak, or D. Dhanurvidya Shikshak. Sir, its answer is please lock option D. Archery teacher. आर्चरी टीचर डी, धनुर्विद्या शिक्षक डी पे तल लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्या बात है। सहदेव का नाम था तंत्रिपाल और वो गौपालक थे। नकुल जो थे वो दम ग्रंथ यानी कि घोड़ा पालक। अर्जुन थे बृहन्नल्ला, नृत्य शिक्षक थे। भीम वलाल यानी कि रसोईया, युधिष्ठिर कंक राजा के सलाहकार। अब आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न और यहाँ पर एक और चेतावनी हम देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को कि इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ২০০৯ में जब श्रीमती गुरुशरण कौर ने भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत लॉन्च की तो उनके पति किस पद पर थे? What post did the husband of श्रीमती गुरशरण कौर hold when she launched India's first nuclear submarine INS अरिहंत in the year 2009? ऑप्शन सुनिए। ए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, बी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सी प्राइम मिनिस्टर, डी मिनिस्टर ऑफ रेलवे। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रेलवे। सर पीएम तो नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम मनमोहन सिंह जी से कॉल। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए बसुमती जी,
दो लाइफलाइन बची हैं आपके पास, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड डबल डिप। सर मैं वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लेना चाहता हूं। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, तीन नाम दिए थे आपने हर्ष जी। सर ये है वो नाम, चंद्रजीत विछिया, शमी चौहान, भगीरथ सिंह जडेजा। सर मैं चंद्रजीत विछिया को कॉल करना चाहता हूं। चंद्रजीत विछिया से बात करें। ऑलराइट, चंद्रजीत विछिया जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपके? जी सर, वो मेरे मित्र हैं। चंद्रजीत जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। बहुत बहुत नमस्ते सर। नमस्कार सर। हमारे सामने आपके मित्र बैठे हैं हर्ष। हाँ सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ना सर, बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसको आंसर देने। ऑलराइट, ओके, तो अगली आवाज हर्ष की। हर्ष, आपका समय शुरू होता है अब। चंदुबा, व्हाट पोस्ट? हाँ, बोलो बोलो। व्हाट पोस्ट डिड द हस्बैंड ऑफ श्रीमती गुरुशरण कौर होल्ड व्हेन शी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत इन 2009? हस्बैंड ऑफ श्रीमती गुरुशरण कौर, जेने बरोबर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। श्रीमती गुरुशरण कौर हस्बैंड नु नाम, एनी हस्बैंड, एना हस्बैंड कया पोस्ट पर था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये मेमाती एक लागे छे। મારા અંદાજ મુજબ બી લાગે છે મને, એક્સટર્નલ અફેર્સ। ડબલ ડીપ લેના ચાહું। ડબલ ડીપ? હા, શાંત હો જાઈએ। ડબલ ડીપ લે લિયા જાય, ઇસકો અંકિત કર દિયા જાય। ડબલ ડીપ હર્ષજી, અબ આપ ગેમ ક્વિટ નહીં કર સકતે જી, ઓર દો અવસર મિલેગે આપકો ઉત્તર દેને કે લિયે। પહેલા ઉત્તર બતાઈએ સર। ઓપ્શન સી, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર। સી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પે તાલા લગાય જાય। Is the right answer. श्रीमती गुरशरण कौर जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पत्नी। जी सर, वो सर बाद में सर स्ट्राइक हुआ। नेवल परंपरा ये है कि ऐसे लॉन्च एक महिला ही करती है। जी सर। और अभी आपने देखा होगा हमारी जो राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी, हाँ, उन्होंने भी अभी एक नेवी का जहाज जो है वो लॉन्च किया। जी जी सर। जी सर, वो ये कथा चली आ रही है तब से। जी, ये काफी बड़ी उपलब्धि होती है एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो उसको लॉन्च करना, जो कि भारत में बनी है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। तो उसको कोई एक गर्वशाली इंसान ही उसको बुलाते हैं। ओके, तो इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। ऑलराइट भाई साहब, ये आएगा आपके नाम चेक 3,20,000 रुपए का। के बारे में सारी जानकारी तो आपको पता ही है। कौन से भाषा में सुने? सर इंग्लिश में सुने। अंग्रेजी में? ठीक है, ऑलराइट। प्रारंभ किया जाए सुपर संदू। और 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इन विच कंट्री वाज द बर्लिन वॉल लोकेटेड? इटली, फ्रांस। करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल यूजेस अ टूल नेम्ड आइस एक्स? ए फायर फाइटर, बी पायलट, सी माउंटेनियर, डी एस्ट्रोनॉट। सी माउंटेनियर। सही। नेक्स्ट, Who is the author of Glimpses of World History? Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Dadabhai Naroji, Lokmanya Tilak. Please log option A, Pandit Jawaharlal Nehru. Correct. Next, which of these has the largest value? Quadrillion, trillion, A, quadrillion. Sahi. Next, the Statue of Liberty is holding which of these in its hands? Sword, gun, torch, C, torch. Sahi. Next, what is the typical color of the beverage Sol Kadhi? Pass. Pass. Next, which vehicle is used in the F1 H2O World Championship? Boat, C, car. B-car. बी कार। गलत। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया आफ्टर राजस्थान? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। सी मध्य प्रदेश। करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कैन बी ऑफ द ग्रैंडफादर वैरायटी? पेन, क्लॉक, बैग, साइकिल। बी क्लॉक। करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज द नेचुरल होस्ट ऑफ द निपा वायरस? काउ, फ्रूट बैट। बी फ्रूट बैट। करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टिपिकल कलर ऑफ द बेवरेज सोल कढ़ी? येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक। ए येलो। गलत। परिणाम बता दें आपको, 80,000 रुपए जीत गए हैं। और जल्दी से
ये जो आपके गलत उत्तर हुए थे ना वो सही बता देते हैं। प्रश्न था, व्हाट इज द टिपिकल कलर ऑफ द बेवरेज सोल कड़ी? इट इज एक्चुअली पिंक। पिंक, हाँ। अच्छा, एक और प्रश्न था, विच व्हीकल इज यूज्ड इन द F1 H2O वर्ल्ड चैंपियनशिप? आपने कहा कार। अगर ये केवल F1 होता ना तो कार होता, H2O मतलब बोट। बोट में भी आजकल जो है F1 चल पड़ा है जी। तो भाई साहब, ये 80,000 रुपए बैंक में जाए या एक लाइफलाइन जीवित? सर, लाइफलाइन जीवित करूंगा। ऑलराइट, आपकी तीनों लाइफलाइन गई हुई हैं। सर, मैं डबल डिप को जीवित करूंगा। डबल डिप को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ओके, मान्यवर कंप्यूटर महाशय, डबल डिप लाइफलाइन को ये जीवित करना चाहते हैं, इसे जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट हर्ष, एक आपकी लाइफलाइन और जीवित हो गई, ये अच्छी बात है। आ गया है 11वां प्रश्न, ये आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिए, क्योंकि ये जीरो रिस्क क्वेश्चन होता है। गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं आप, 3-20 निश्चित रूप से आ जाए, यहां से ले जाएंगे। बहुत सोच समझ के खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। साहित्य अकेडमी ने किसकी जन्म शती के उपलक्ष्य में 1961 में अपना नया मुख्य कार्यालय बनवाया था? टू कमेमोरेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ हूम डिड द साहित्य अकेडमी कंस्ट्रक्ट इट्स न्यू हेड ऑफिस इन द ईयर 1961? ऑप्शन सुनिए, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी बंकिम चंद्र चैटर्जी, डी श्री अरबिंदो। समय समय आपके पास, सोच समझ करके खेलिएगा जी। सर, एक लाइफलाइन है डबल डिप, उसका भी उपयोग सही तरीके से कीजिए जी। सर, कई बार हम बोलते हैं अपने कंटेस्टेंट को, अगर आपके मन के अंदर दुविधा है दो में तो ही इसका उपयोग कीजिएगा, ना हो तो आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। सर, ए या बी में से मुझे कुछ लग रहा है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो लिटरेचर से रिलेटेड है, उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद भी बहुत बड़े कवि रहे हैं शायद, मेरे नॉलेज के हिसाब से। बंकिम चंद्र चटर्जी फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम, हाँ सर, अरबिंदो भी फ्रीडम फाइटर थे, फिर उन्होंने ये किया था, तो सर वो दोनों में से तो नहीं लग रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 मतलब 1861 के करीब उनका बर्थ हुआ होगा, जिसका है मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेम, रविंद्रनाथ टैगोर 1903 नोबेल पुरस्कार। सर, रविंद्रनाथ टैगोर पे सर थोड़ा जा रहा है दिमाग से। साहित्य, एक लाइफलाइन डबल डिप, सही उत्तर 6:40, गलत आपको वहीं रखी थी 3:20। सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा, डबल डिप लाइफलाइन जी। सर, ऑलराइट। ज्ञानना जी, हर्ष शाह जो है ये अपनी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब हर्ष, आप खेल को क्विट नहीं कर सकते जी। सर, आपको उत्तर देना पड़ेगा, और जैसा कि आपको बताया गया था डबल डिप में दो अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। सर, बी मुंशी प्रेमचंद। बी मुंशी प्रेमचंद पे ताला लगा लिया। नहीं मानी वर, ये गलत है। सर, प्लीज लॉक ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। सर, जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का सरदार इस्तेमाल किया। इसका निर्माण जो है ये रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म शती के उपलक्ष में किया गया था जी। सर, और साहित्य अकेडमी का जो मुख्य कार्यालय रविंद्र भवन, वो 35 फिरोज शाह रोड नई दिल्ली में स्थित है। वेल प्लेड, थैंक यू। ऑलराइट, ये जो जीती हुई धनराशि है इसका आप करेंगे क्या? 6,40,000 जीत लिया आपने। सर, इसके मैंने ऐसा सोच रखा है कि 80% है सर वो मेरे फादर को कंट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि उनसे
बिजनेस का एक्सपेंशन सर हो सकता है जी। और सर अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम पूरी सप्लाई चेन में भी आगे जा सकते हैं, तो सर बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। और सर जो बाकी का 20% है सर, वो मैं अपने लिए रखूंगा, उससे पूरा इंडिया घूमूंगा सर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में ही पूरा विश्व समाया हुआ है। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा ऐसा है हर्ष जी कि आमतौर पर जब लोग घूमने निकलते हैं तो साथ में किसी को ले जाते हैं अपने घूमने घामने के लिए, कोई सहपाठी हो, कोई, समझ गए ना भाई साहब? जी जी सर। उनका होना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है जी सर, देखभाल करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए। सर ऐसा है कि मैं इंजीनियर हूँ बाय पढ़ाई से, मैंने एजुकेशन तो वही किया, तो सर वही से सर इसकी शुरुआत होती है कि मैंने ऐसा नहीं था कि मुझे, मैंने ट्राई नहीं किया सर, बहुत ट्राई किया लेकिन आगे बात ही नहीं हो रही। एक जगह बात बनने भी वाली थी तो लगा था कि हो जाएगा, तो थोड़ा आगे बातचीत हुई, फिर सर ऐसा हुआ कि मैं घोस्ट हो गया उनके लिए। हाँ सर, ये घोस्टिंग क्या होता है सर? आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सर आप एग्जांपल देने में बहुत माहिर हैं। सर ऐसा है कि सपोज मान लेते हैं कि सर हमने ट्रेन का टिकट लिया है और हम स्टेशन पे जाते हैं और सर ट्रेन ही नहीं आई, तो उसके तो जितने भी ऐसे हमारे कंटेस्टेंट आते हैं जिनके पास ऐसी निराशजनक कहानियां होती हैं तो हम उनको बोलते हैं कि समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं भाई साहब, और जो पिताश्री बना रहे हैं ना जाल, वो तो जाल फेंकिएगा आप, देखिएगा झुंड का झुंड जो है वो चला आएगा। यदि आपको चुनने का अवसर मिले तो उनमें क्या गुण आप देखना चाहते हैं अपने होने वाली में, ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर वैसे तो ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है मेरी, बस सपोर्टिव होनी चाहिए, थोड़ी समझदार होनी चाहिए और फैमिली वैल्यूज को समझे, बस हाँ। सर इतना काफी है क्योंकि अभी तो वैसे भी सूखा चल रहा है। तरह उम्मीद करते हैं कि आज के खेल के बाद घर के बाहर लाइन लग जाए आपके। सर अगर आप सिफारिश कर दो तो सर। भाई साहब जी सर एक बात बताएं आपको, प्लीज सर प्लीज, अगर आप, अगर हमको सिफारिश करनी हो तो हम अपनी करते, आपके क्यों करते? और हमारा समय दे दिया सिफारिश, अभी क्या कर सकते हैं? जितनी महिलाएं जो हैं वो इनका कार्यक्रम आज देख रही हैं, भाई साहब देवी जी इनकी ओर ध्यान दीजिएगा, कई बार इन्होंने दो दो टिकट खरीदा है, केवल एक ही इस्तेमाल हुआ है, तो दूसरा टिकट में भी चली जाइएगा आप। ओके तक कर दिया भाई साहब, थैंक यू सर। और भाई साहब बहुत हंसी मजाक हो गया, अब जो अगला प्रश्न है इस ओर सोचिए, ये 12वां प्रश्न है 12,50,000 रुपए का, कोई लाइफ लाइन नहीं है, अब अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे जी सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का इनमें से कौन सा स्थल एक द्वीप पर स्थित है? Which of these Indus Valley civilization sites is situated on an island? जी okay? सर। ऑप्शन सुनिए, ए हड़प्पा, बी राखीगढ़ी, सी चन्हुदारो, डी धोलावीरा। Which of these Indus Valley civilization sites? हड़प्पा, राखीगढ़ी, चन्हुदारो, धोलावीरा। सर हड़प्पा तो पाकिस्तान में है, मतलब वो लैंडलॉक, मतलब वो जगह जहाँ जहाँ है वहाँ पे कोई आइलैंड जैसा है नहीं सर, तो वो तो नहीं लग रहा है। राखीगढ़ी, चन्हुदारो और धोलावीरा, राखीगढ़ी, वो चन्हुदारो, धोलावीरा। धोलावीरा सर हमारे गुजरात में है सर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सर। धोलावीरा, राखीगढ़ी, चन्हुदारो, राखीगढ़ी पे नहीं है, राखीगढ़ी नहीं आ रहा है मुझे।
जन्हुदरो और धोलावीरा। जन्हुदरो, जन्हुदरो में नहीं, राखिन गरी में सर कैमल वगैरह का, शायद कैमल या हॉर्स का अवशेष मिले हुए हैं, तो वो भी सर आइलैंड वगैरह नहीं लग रहा है। रह गए जन्हुदरो और धोलावीरा। धोलावीरा सर दिमाग में आ रहा है, क्योंकि उसके वो उत्पत्ति रण ऑफ कच्छ के नज़दीक है। रण ऑफ कच्छ वो आइलैंड से होके, मतलब समुद्र में था, समुद्र से अपलिफ्ट होके वो बना हुआ है, तो शायद वो साइट ऑन एन आइलैंड होगा। सर धोलावीरा के साथ जाना चाहूँगा। क्या करें सर? लॉक कर दें। बहुत सोच विचार के बाद कह रहे हैं डी धोलावीरा पे ताला लगाया जाए। भाई साहब, आपने कहा कि धोलावीरा जो था वो समुद्र में था और फिर वहां से वो अपलिफ्ट हुआ, यानी कि बाहर आया। सर जो कच्छ का जो पार्ट था सर, वो पहले बहुत टाइम पहले, मतलब वो एक एरा था जहाँ पे वो पानी के अंदर था, सी में था, वो अरेबियन सी में था पहले। जी 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 सर, वो अपलिफ्ट हुआ था, तो सर उसके अराउंड सर आइलैंड्स वगैरह दिखते हैं वहाँ पे शायद। सर मुझे ये कहीं पड़ा हुआ था, मुझे याद आ रहा था सर, तो उसी वजह से सर धोलावीरा में। कच्छ जो है वो तो पूरा रेगिस्तान है। रेगिस्तान है सर, वो सॉल्ट की वजह से होगा, हो गया है, समुद्र का जो सॉल्ट है वो सर, वो वहाँ उसकी वजह से सर हो गया था। सर जीत गए 1250। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, बड़ा मुश्किल प्रश्न था, कोई भी लाइफलाइन नहीं थी आपके पास, लेकिन आपने सही उत्तर दे दिया। 1250,000 रुपए जीत गए आप। जी सर, कहीं ना कहीं आपने अपनी शिक्षा को सही ढंग से किया हुआ है। जी सर, ये कच्छ के रण में, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये खादिर बेट आइलैंड पर ये स्थित है और गुजरात में है। चलिए आगे चलते हैं हरजी। जी सर, धीरे धीरे आप बढ़ते चले जा रहे हैं 1 करोड़ की तरफ, और बिना किसी लाइफलाइन के ये बहुत अच्छी बात है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। ২০২৩ में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन यूक्लिड, इनमें से किसे अंतरिक्ष में ले जाने के लिए है? यूक्लिड, a mission launched by the European Space Agency in 2023, is meant to carry which of these to space? A. Telescope. B. Missile launching system. C. Spy satellite. D. Space station. A. टेलीस्कोप, बी मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली, सी जासूसी उपग्रह, या डी अंतरिक्ष स्टेशन। ल्यूसिड, ल्यूसिड मिशन लॉन्च पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2023। सर इसमें दो ऑप्शन, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम तो सर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये स्पेस इज मेंट टू कैरी विच ऑफ दिस टू स्पेस, यूक्लिड मिशन, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है, स्पाई सैटेलाइट, यूक्लिड मिशन, अ मिशन लॉन्च बाय यूरोप मिशन है वो, तो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम भी नहीं रहेगा, मिशन है, स्पाई सैटेलाइट को पूरा मिशन नहीं कह सकते, वो सिंगल रहता है या तो फिर इन अ ग्रुप रहता है, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स रहते हैं। टेलीस्कोप और स्पेस स्टेशन दोनों में से कहीं एक लग रहा है, टेलीस्कोप, मैथमेटिशियन, कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा आती है टेलीस्कोप में, स्पेस स्टेशन में भी उसमें इतनी नहीं आती है, टेलीस्कोप। सही उत्तर 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पे, कोई लाइफलाइन नहीं, गेस वर्क चलता नहीं। सही उत्तर अगर आपको मालूम है, आप खेलेंगे, सही हो गया तो 25 लाख रुपए। सर
मुझे दो ऑप्शन में सर किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। जी सर। सर मैं क्विट करना चाहूंगा। सोच लिया? अंतिम निर्णय ये आपका? जी सर, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके। कबीर महाशय हर्ष शाह ने ये अंतिम निर्णय ले लिया है कि वो खेल को क्विट करेंगे। 12:50 जीत रहे हैं, तालियां बज जाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 12:50 डाल दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये 12,50,000 रुपये अभी आपके बैंक अकाउंट में चलेगा बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत सुंदर तरीके से खेला आपने हर्ष। अब जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना, किसी एक को गेस कीजिए। सर स्पेस स्टेशन के साथ जाना चाहूंगा। डी स्पेस स्टेशन तल लगा जाए। सर ये गलत होता अगर आप खेलते तो। सही उत्तर है टेलीस्कोप। और आपका माइंड, आपका दिमाग उधर जा भी रहा था। जा भी रहा सर। यूक्लिड स्पेस क्राफ्ट में ब्रह्मांड के इतिहास और संरचना का अध्ययन करने के लिए एक टेलीस्कोप है जी। इसका नाम एक महान गणितज्ञ यूक्लिड के नाम पर रखा गया है, जैसे कि हम कह रहे थे कि बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन। और आपने जो अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही था कि टेलीस्कोप में जी सर कैलकुलेशन बहुत वगैरह पड़ते हैं। जी हाँ, तो ये टेलीस्कोप इज द राइट आंसर। ऑलराइट ऑलराइट हर्ष, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको।